WCC3 के वुमेन्स क्रिकेट का मैच खेलेंगे हम आज। और एक मैच तो हम खेल चुके हैं जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वाला मैच था आज का। ये दूसरा मैच है हमारा वुमेन्स क्रिकेट का और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का ये मैच रहेगा। चेन्नई का स्टेडियम, पिच कंडीशन ग्रीन, और ये है दोनों टीमों का स्क्वाड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिलहाल अब गेम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा रहने वाला है आज का ये मैच। और उस समय तो जब हमने खेला था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वाला वो मैच, तब तो प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, पर यहाँ पर अभी फिर से थोड़ा खेलना शुरू किया है, तो बाकी की बातें देखते हैं अब कैसा होने वाला है। टेल्स ही हमने फिलहाल चूज़ किया आज बहुत दिनों के बाद, तो वो चीज़ ओके। तो यहाँ टॉस हम जीत चुके हैं और आज हम बॉलिंग नहीं बैटिंग करेंगे पहले, तो मतलब दोनों चीज़ें हमने आज चेंज की हैं। अब वो चेंज करके कुछ सही होता है या गलत वो फिलहाल देखा जाएगा बाद में। यहाँ पर हमारी टीम के दोनों ओपनर्स, इंडियन टीम के दोनों ओपनर्स आ चुकी हैं, मिताली राज एंड स्मृति मंधाना, जो कि हमारी बहुत फेवरेट है। हम बहुत बार बता चुके हैं, बहुत बार क्या एक ही बार बताएं, ऑब्वियसली एक ही मैच हुआ है तो उसी में बताएंगे। और यहाँ पर फिलहाल ये पहली बॉल, और पहली बॉल पर हम कोई लॉफ्टेड शॉट नहीं खेलेंगे, डबल लेंगे यहाँ पर और कोशिश करेंगे कि अभी विकेट तो हम ना खोएं इस ओवर में कम से कम, फिर उसके बाद लास्ट ओवर में देखा जाएगा। यहाँ पहले एक रन अच्छे खासे बनाने हैं और फिर से हमने परफेक्ट टाइमिंग के साथ यहाँ पर शॉट लगाया, डबल लेने की पूरी कोशिश और बिल्कुल यहाँ पर पूरा कर दिया। नॉट आउट हैं ये बिल्कुल, और सही डिसीजन अंपायर का, और नॉट आउट हैं हम यहाँ पर। दो बॉल हो चुकी हैं, लॉफ्टेड शॉट अभी तक लगाया नहीं है, तो अभी यहाँ पर हमने दो रन लिए हैं और फिर से यहाँ पर स्ट्राइक पर आ चुकी है मिताली राज। और अब लॉफ्टेड शॉट तो लगाना पड़ेगा क्योंकि फील्ड भी थोड़ी वैसी हो गई है, तो लेट टाइमिंग के साथ यहाँ पर वन बाउंस टू बाउंस और फील्डर के हाथ में, पर डबल तो यहाँ पर हम फिर भी ले लेंगे और यहाँ पर डबल हो चुका है हमारा पूरा। लॉफ्टेड शॉट एक और हम यहाँ पर खेलेंगे और इस बार ये परफेक्ट टाइमिंग के साथ आउट ऑफ द स्टेडियम वाला सिक्स, और क्या कमाल का ये सिक्स लगा यहाँ पर। और इस सिक्स के साथ एक और लॉफ्टेड शॉट हम यहाँ पर खेलेंगे और लेट टाइमिंग के साथ इस बार तो डबल हम ले लेंगे बिल्कुल, और ट्रिपल का तो चांस नहीं, नहीं ट्रिपल का यहाँ चांस नहीं है, डबल से ही काम चलाना पड़ेगा। और 16 रन आ चुके हैं पहले इस ओवर में, तो ये ओवर का भी मतलब अभी तक तो काफ़ी अच्छा गया है, और बाकी नेक्स्ट ओवर में हम देखते हैं कैसा रहने वाला है और स्मृति मंधाना कैसा खेलने वाली हैं। स्ट्राइकर एंड पर तो फिलहाल वही हैं और यहाँ पर हम लॉफ्टेड शॉट से करेंगे शुरुआत। और पहली बॉल, और ये हमने लॉफ्टेड शॉट जब खेला तो ये लगा क्यों नहीं, पर ठीक है। यहाँ पर फिर से हम लॉफ्टेड शॉट और टू अर्ली टाइमिंग और दो बॉल पे जीरो रन बनाकर यहाँ से स्मृति मंधाना वापस जाते हुए। और ये एक चीज़ है जो हमें नहीं समझ में आ रहा कि वो वाला जो मैच था जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वाला था, उसमें भी स्मृति मंधाना की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी और इसमें भी नहीं। ये खेल तो ऑब्वियसली हम ही रहे, पर ये हुआ क्यों नहीं। पर ठीक है, यहाँ पर तो फिलहाल बहुत सारे मैचेस आने वाले हैं, तो उसमें प्रैक्टिस पूरी करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छा हो सके। फिलहाल यहाँ पर जमाइमा ने एक चौका लगा दिया और वो चौका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मतलब जस्ट फील्डर के ऊपर से गया और वहाँ पर चौका मिला में, और अर्ली टाइमिंग के साथ कैच हुआ है यहाँ पर, और दो बॉल पे चार रन बनाकर यहाँ से वापस जाना होगा। वेदा कृष्णमूर्ति यहाँ पर आई हैं नेक्स्ट बैट्समैन, राइट हैंड बैट्समैन, और देखते हैं अब ये जो बची हुई दो बॉल हैं इस ओवर की अब वो कैसा जाने वाला है, क्योंकि अब दो बॉल पे अगर दो चौके लग जाए तो फिर थोड़ा ठीक है, वरना तो फिर अब ओके। तो लेट टाइमिंग के साथ फील्डर को क्रॉस किया पर दो रन ही मिलेगा यहाँ पर, टाइमिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और डायरेक्शन भी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से फील्डर ने वहाँ पर पकड़ ली बॉल। और इस बार लेट अर्ली टाइमिंग के साथ और डायरेक्ट फील्डर के हाथ में, और अब यहां पर हम करते हैं हमारी बॉलिंग इनिंग्स की शुरुआत। और 23 रन्स यहां पर चाहिए बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए, और आई थिंक ये मैच हम जीत नहीं पाएंगे, पर कोशिश पूरी करते हैं। यहां पर बांग्लादेश की टीम की दोनों ओपनर्स आ चुकी हैं, तो देखते हैं कैसा रहने वाला है ये
हमारी बॉलिंग इनिंग्स। और फिलहाल तो यहाँ पर पहला ओवर डालने के लिए ओके एकता बिष्ट तो 3 मैचेस ये खेल चुकी हैं, बाकी सारे स्टैट्स 0 हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जितने मैचेस हम खेलते हैं वो 2 ओवर्स के मैचेस रहते हैं। तो अब हर मैच में हर प्लेयर को, हर बॉलर को बॉलिंग मिल जाए ये तो हो नहीं सकता, तो इसी वजह से, वरना अगर बॉल की होती वो तो स्टैट्स ऑब्वियसली रहते ही कुछ ना कुछ। और यहाँ पर फिलहाल पहली बॉल पर 1 रन आ चुका है और इस 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट किया और अब स्ट्राइकर एंड पर हैं ओके एफ हक। अब ये ओरिजिनल नाम क्या है मुझे नहीं मालूम। तो फिलहाल यहाँ पर हम दूसरी बॉल पर 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर, और अरे रे 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 डायरेक्ट थ्रो, और अब दूसरा रन के लिए भागेंगी और पूरा भी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये थ्रो स्पीड बहुत ही ज़्यादा धीमी रहे इसमें पता नहीं क्यों। और फिलहाल यहाँ पर अभी इस ओवर की ओ हो तो ये तो कमाल का है, और स्टंप्स है यहाँ पर, बिल्कुल स्टंप्स है, और क्या कमाल का यहाँ पर ये बॉलिंग की हमने, और बॉल यहाँ पर टर्न हुई और जिसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पाए और स्टंप्स हुआ यहाँ पर बहुत ही आसानी से, और आउट ही होगा ऑब्वियसली, थर्ड अंपायर डिसीजन पेंडिंग और अब लिखाएगा यहाँ पर आउट। और बिल्कुल यही था हमारा भी डिसीजन, 2 बॉल पे 2 रन बनाकर, और 2 बॉल पे 0 रन बनाई थी स्मृति मंदाना, तो वो अगर 2 बॉल में कुछ रन बन गए होते वहाँ पर तो शायद मैच में रन्स थोड़े ज़्यादा होते, पर ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर ये दूसरा ही मैच है हमारा वीडियो के लिए, तो वो भी हो जाएगा। और यहाँ पर इस बॉल पर चौका नहीं आया ओके, तो सिर्फ 2 रन ही आए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई है यहाँ पर कि 8 बॉल पे 2 रन, और बस यहाँ पर अब कोई बाउंड्री ना आ जाए, अब डॉट बॉल रहे तो वो सही रहे। और अरे रे, मतलब जिस चीज़ की हम अभी बात कर रहे थे कि बाउंड्री ना आ जाए, वो ही यहाँ पर हुआ, और इस बाउंड्री के साथ, इस 6 के साथ 11 रन्स हो चुके हैं बांग्लादेश की टीम के, पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश की टीम के। और कैच, अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट थ्रो, और इस डायरेक्ट थ्रो के साथ अब 6 बॉल पर चाहिए 11 रन, और वो 11 रन तो ऑब्वियसली आसानी से हो ही जाएंगे, क्योंकि 11 रन रोकना इसमें मुझे नहीं लगता कि मुश्किल होगा। मेंस वाले में वो आसानी से हो जा रहा था, पर इसमें अभी फ़िलहाल हो नहीं पा रहा है। और ए पाटिल राइट हैंड बॉलर यहाँ पर आई हैं, और आई थिंक ये मैचेस खेलते खेलते जब स्टैट्स कुछ जुड़ेंगे प्लेयर्स के साथ तो फिर ये और ज़्यादा अच्छा होगा और बॉलिंग और ज़्यादा प्लेयर्स की अच्छी होगी। फिलहाल तो यहाँ पर ये हमारे ओवर की, इस ओवर की पहली बॉल, और 5 बॉल में अब चाहिए 10 रन, जो कि मुश्किल तो ये अरे आउट है, बिल्कुल आउट है, और ये आउट होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये आउट नहीं हुआ तो 2 रन हो जाएंगे इस बॉल पर, और मेरे ख्याल से तो ये आउट है, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पर उन्होंने दूसरा रन लेट भागने की कोशिश की थी तो आउट तो होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं कि आउट है कि नहीं, और ओके तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें, ओ हो क्या कमाल का ये रन आउट, और वाह एकदम एक्यूरेट और बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग के साथ, और आउट है यहाँ पर, और अब वापस जाना होगा 1 बॉल पर 1 रन बनाकर। एस खातून यहाँ से वापस जाती हुई, नेक्स्ट बैट्समैन राइट हैंड बैट्समैन यहाँ पर आ चुकी हैं, तो अब देखते हैं हमारी जो बची हुई 5 बॉल हैं उनमें 10 रन ये आते हैं या नहीं। और मेरे ख्याल से अगर एक बाउंड्री अगर इसमें लग गई ना तो फिर वो ओ हो अब तो हम अगले मैच से बाउंड्री की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ये अभी तक चला है, लास्ट ओवर में हमने कहा था कि बाउंड्री ना आ जाए वो आ गई, इस ओवर में हमने कहा कि अगर बाउंड्री लग गई तो इतनी हमारे बोलते समय हमारे मैच हमारी इनिंग्स में तो नहीं लगी। और फिलहाल यहाँ पर 4 बॉल बची हुई और 4 बॉल में चाहिए 4 रन जीत के लिए, और फिर से यहाँ पर छक्का मारकर मैच ख़त्म कर दिया, और इतनी ज़्यादा बुरी हार, मतलब ठीक है। फिलहाल यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस अभी आएंगी तो उसमें भी हम देख लेंगे सारी टीमों को। फिलहाल यहाँ पर 3 विकेट लिए थे एफ खातून ने, और इसी के साथ यहाँ पर मैच भी जीतती हुई बांग्लादेश की टीम 3 विकेट से, और टफ लक बिल्कुल मालूम है हमें। और
मैच समरी फिलहाल थोड़ी देखी जाए और क्या हुआ। 6 बॉल में 16 रन्स मिताली राज ने बनाए हमारी टीम के लिए और 6 बॉल में एस इस्लाम जो भी हैं ये 22 रन